ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए, अर्थात चेकिंग करने के लिए, कितना याद में रहा, कितना समय रहा, कैसे कैसे रहा, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज दो बार ज्ञान स्नान करो। अमृत वेले तो बाबा के ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ये है ज्ञान स्नान, जिससे आत्मा शुद्ध बनती है। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज दो बार गंगा ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती है और बाप तुमको क्या बनाता है, अभूल बनाता है। माया भूले कराती है और बाप तुमको अभूल बनाते हैं। अभी प्रश्न, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी पूरी मदद बच्चों को मिलती है? पहले पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सा पक्का निश्चय हो, बोलो बच्चे, एक ही आवाज में बोलो अच्छी रीत। मेरा तो एक शिव बाबा, फिर से बोलो, मेरा तो, दूसरा न कोई। बच्चियों ने बोला, हाँ, कौन सा निश्चय, सभी नहीं बोल रही है, आवाज पूरा नहीं है। बाबा कहते हैं, पहले पहले पक्का निश्चय हो, ओ मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, स्वयं को पूरा बाबा के ऊपर अर्पण कर दे, अर्थात ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करते रहे। तो ऐसे बच्चों को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। आज का गीत है, हमें उन राहों पे चलना है। कौन सी राहों पे चल रहे हैं हम? जहाँ गिरना है तो संभलना भी है, खाली गिरना नहीं है और गिर करके रोते रहें, परंतु देखें गिरते हैं और अपन को संभालना है। किन बच्चों के निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? जो जिनों को पक्का निश्चय है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा भी करे, ऐसे बच्चों को बाप पूरी पूरी मदद देते हैं। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। बाबा कहते हैं गीत में, ये कौन कहता है और किसको कहता है? परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर बच्चों को कहते हैं। क्या कहते हैं? हे बच्चे, तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं बाप, हमें जिस राहों पर चला रहे हैं, माया पर जीत पाने के लिए जो हमें मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें तो संभलना और गिरना होगा ही,
इसलिए दिल शिकस्त न होना, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभालते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते ही रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये है संजीवनी बूटी, परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। देखो रामायण में भी कहानी है ना, राम और रावण की युद्ध हुई थी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठकर बनाया है, भक्ति मार्ग में ही बनाया ना, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं, ये तो मनुष्यों की बनाए हुए सब शास्त्र है। जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है, बाप तो है ज्ञान का सागर, मनुष्यों ने न जानने के कारण कहते हैं गीता कृष्ण ने गाई है। वास्तव में ज्ञान का सागर बाप, उन्हों के ही ये ज्ञान के महावाक्य है। कौन से महावाक्य? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ज्ञान सागर बाप ने ही आकर के दिया है। जिस ज्ञान का ही मनुष्यों ने बैठ के शास्त्र बनाए हैं, फिर गीता पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे तो देखो कितनी भूल, जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, कितनी बड़ी भूल हो जाएंगी। वैसे ही शिव बाबा की जीवन, शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, अर्थात गीता का ज्ञान बताया शिव बाबा ने, उस गीता में फिर नाम डाल दिया श्री कृष्ण को। इसलिए अनर्थ हो गया है गीता खंडन होने से, सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। अब जब बुद्धि योग टूट गया, बाप से योग लगता ही नहीं, तो फिर मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस ज्ञान और योग की अग्नि से ही तो पवित्र बनते हैं। गंगा जल से कोई भी पवित्र नहीं बनते हैं। तो बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से ही बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत ज्ञान को कहा जाता है, कोई पानी को अमृत नहीं कहा जाता है। अब ये ज्ञान अमृत, इसको पढ़ाई भी कही जाती है। पढ़ाई अर्थात नॉलेज, नॉलेज अर्थात जिससे कई बातों को अच्छी रीत से जाना और समझा जाता है। बाकी ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से ही तो बनाना शुरू किया है। भल मनुष्य तो कह देते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु हम क्या कहते हैं, ड्रामा अनादि है। और अनादि ड्रामा के अंदर जो कुछ भी बना हुआ है वो भी अनादि कहने में आएगा, क्योंकि एक बार बन गया फिर हर कलप वही रिपीट होता रहता है। बाबा कहते हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। ऐसे नहीं कि ये कोई शास्त्र अनादि यानी सत्युग से कोई शुरू हुए है और वो ही चलते आते हैं। ये ड्रामा अनादि है, तो ड्रामा में जो भी नोंद है वो अनादि चलती ही आती है।
द्वापर से लेकर ये शास्त्र मनुष्य लिखते आए हैं। अब बेहद के बाप ने आकर के अपनी सारी यथारथ जीवन कहानी बताई है। बाप कहते हैं मेरा सत्य त्रेता में पाठ नहीं है, परंतु सृष्टि तो ड्रामा अनुसार चलती ही रहती है, तो मेरा पाठ भी ड्रामा अनुसार जिस समय आने का नूंदा हुआ है उस समय मैं फिर से इस सृष्टि मंच पर आकर के अपना पाठ बजाता हूँ। मैं भी ड्रामा, बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, परंतु मेरा सत्य त्रेता में पाठ नहीं है। जैसे देखो क्राइस्ट बुद्ध आदि का भी सत्य त्रेता में पाठ नहीं है, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में उस समय रहती हैं। फिर ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की भी सभी आत्माएं को सत्युग में पहले से ही आ जाती है, नहीं, वे भी धीरे धीरे, पहले से थोड़ी आत्माएं आती हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती हैं, फिर जब सब देवताएं आ जाते, देवताओं की आत्माएं आ जाती है, तो फिर सतो प्रधान से अर्थात धीरे धीरे समय आगे चलता जाता है और सत्य कृता पूरा हो जाता है, तो फिर सतो प्रधान से सतोगुणी बने और सतोगुणी से फिर धीरे धीरे स्टेजेस बदलती जाती हैं। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो चंद्रवंशी से फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बन जाते हैं। अब ये पूरा पूरा राज समझना है बच्चे, आप लोग को मुरली समझ में आती है, सुनते रहते हो वहाँ भी, जो सेंटर पर से जो अपने अपने स्थान पर सेंटर पर जाते हैं वे बच्चे हाथ उठाए, मेजॉरिटी है, बहनें बहनों में कम है। अच्छा, अगर रोज सुनते हो तो समझ में आता होगा। अच्छा, और आगे बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो जो अधूरे पवित्र बनेंगे बाप आकर हमें पवित्र बनाते हैं, जो बच्चे अधूरे पवित्र बनेंगे, जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे वो तो संपूर्ण राज अर्थात सत्युग में पहले पहले आकर के सारे विश्व का राज लेंगे। जो ज्ञान और योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजा बनेंगे, क्यों, कब तो ये सारी राजधानी बन रही है। तुम बच्चे क्या बनेंगे, हाँ, राजा रानी बनेंगे, क्या बनेंगे, राजा रानी बनेंगे या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी राजा कहाँ बनेंगे, इतनी विशाल बुद्धि कहाँ से हुई तो तुम बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस, परंतु बनेंगे तब जब ऐसे दैवी गुण धारण करेंगे। क्या क्या है दैवी गुण, कभी लड़ते हो आपस में, हाँ, नहीं तो नहीं कह सकते, आज नहीं तो कल। अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं अब तो बाप ये सारी सत्य की राजधानी बना रहे हैं, पूरा पुरुषार्थ करना है राजधानी राजाई में आने का। शिव बाबा समझाते हैं,
अभी तुमको हीरे समान आत्मा ऐसी शुद्ध चमकने वाली बन जाए। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, और बाप फिर तुम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। शांति का अर्थ है, शांति का अर्थ क्या है? एक दो में लड़ना नहीं है। देखो बाप ने भी याद किया है बच्चों को, शांति का अर्थ है क्या? है अर्थ शांति का, बोलो बच्चे, पूछो अपने आप से। जो बिल्कुल कभी नहीं लड़ते हैं वे हाथ उठाओ, सच सच बोलना। चलो सच तो बोल रहे हो, हाँ तो अभी तो समझा बाबा क्या बोलते हैं। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगेंगे? जो कभी लड़ेंगे नहीं। बहने बच्चियां कौन लड़ते हैं? जो नहीं लड़ती है आपस में वो हाथ उठाओ। नहीं लड़ती मना, थोड़ा भी झगड़ा नहीं करती, कोई कुछ बोले तो उसको उसका जवाब दे दे, ऐसा जो नहीं करती है हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाते, चलो सच बोलते हो, अच्छी बात है, परंतु इसका मतलब ये नहीं ये करते आओ। ये याद रखो, देखो हम नहीं करते हैं, हम लड़ते हैं, तो देखो लज्जा आनी चाहिए ना। बाबा के बच्चे भगवान सारी सृष्टि को एक बना रहे हैं, सृष्टि से लड़ाई झगड़ा खत्म कर रहा है, और भगवान के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बचपन से सीखेंगे तो बड़े होते बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप भी हीरे समान बना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति का सागर बनाता हूँ। शांति का अर्थ है एक दूसरे लड़ना नहीं है। सन्यासी तो समझते हैं शांति का अर्थ बस जंगल में जाकर एक जगह बैठ के बस प्राणायाम चला करके बैठ जाओ तो शांति में बैठे रहेंगे। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ तो देखो जब शांति में बैठते हैं तो बाप कभी कभी किन्हों की रस्सी अर्थात आत्मा को फिर साक्षात्कार भी कराते हैं। वो तो समझते हैं बस बैठ करके हमने प्राणायाम करके बैठ जाएंगे अर्थात प्राण चढ़ा दिया, परंतु ऐसे नहीं है। ये तो अच्छी रीत ज्ञान को समझ के बाप की याद में रहे तो कभी कभी बाप रस्सी खींच लेते हैं अर्थात बुद्धि योग बाप से अच्छा लग जाता है तो बाप उनको स्वर्ग का साक्षात्कार करा लेता है, ध्यान में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरी वरदान। सुनिए ना कहानियाँ, शुरू शुरू में जब एकदम शुरू में यज्ञ स्थापन हुआ, इतने बच्चे, पूरा क्लास का क्लास छोटे बच्चों का, हम लोग भी तो छोटे थे परंतु हमारे से भी छोटे जब आए थे तो क्लास का क्लास पूरा ध्यान में, कोई देखो कृष्ण भागते रहेंगे, कृष्ण कृष्ण करके उसको पकड़ने के लिए जाएंगे, कोई उठ करके आपस में रास करने लग जाएंगे। आप लोगों में से कभी कोई ध्यान में गया है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। देखो बच्चियों में से एक दो, बस देखो शुरू में तो इतनी दीदार की धूम, बस उनों को यहाँ की शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, बस आंखें बंद है, अंदर बड़े खुश हो रहे हैं, और फिर उठ करके आंखें बंद है और आपस में एक दो को हाथ देख के जो वहां देखते हैं उनसे रास कर रहे हैं।
आप लाओ दर्शे, कितना अच्छा लगता होगा। बाबा कहते हैं ये भक्ति में भी भगवान भक्तों को जो नौदा भक्ति करते हैं उनको साक्षात्कार कराता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवा और किसकी ताकत नहीं है। और अभी तो वो बाप हमारे सन्मुख है। बाप कहते हैं भक्तों के पास भगवान को तो आना ही पड़ता है, किस लिए? माया के जंजीरों से लिबरेट करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ अभी तो माया से बच्चों की युद्ध है, भगवान का बनने चाहते हैं, परंतु माया फिर उस दोनों को भुला देती है। माया, बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है, कभी ऊपर चढ़ेंगे कभी बहुत अच्छे जो बाबा ने समझाया उसी रीति चलते रहेंगे, और कभी फिर कहेंगे बाबा भूल गया, कोई ना कोई बात में लड़ पड़ेंगे। तो योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भूले होती रहती हैं, परीक्षाएं तो सब पर आती है। कुछ भी माया का वार न हो फिर तो अभी ही शरीर छूट जाए, इसलिए एकदम से तो संपूर्ण नहीं बन सकते, अभी तो कोई संपूर्ण बना नहीं है। तो ये भी एक रेस है, जैसे वो रेस करते हैं ना, घोड़ों की भी रेस निकालते हैं। ये है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, राजाई के लिए ये अश्वरूपी रथ शरीर, इसको शिव बाबा पर बलि चराना है। बलि चराना है मना इसको सिर काट के नहीं शिव बाबा पर चराना है, शिवलिंग पर रखना है, परंतु अंदर से अपनी इस दुनिया की इच्छाओं को समाप्त करके, और मैं तो शिव बाबा का हूँ, जो श्रीमत बाबा देते रहे उसी पर ही हमको चलना है, इसको कहा जाएगा शिव बाबा पर बलि चढ़ना। बच्चा बनकर पूरी सेवा करनी है, ट्रस्टी बनकर फिर पुरुषार्थ करना है, तो देखो बाबा की भी तुमको बहुत मदद मिलती रहेगी। पक्का निश्चय चाहिए, पक्का पक्का। कौन सा निश्चय चाहिए शिव बाबा में, कौन सा निश्चय चाहिए? बोलो बच्चे बच्चियां बोलो, कौन सा निश्चय? मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो कौन सा निश्चय? बच्चों का आवाज छोटा हो गया, सोच रहे हैं अभी। बाबा कहते हैं ये पक्का निश्चय होना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, आगे दूसरा न कोई। मरना तो बाकी, मरना तो सभी को है। अब परमपिता परमात्मा जो बाप भी है हमारा, टीचर भी है और सतगुरु भी है, अभी उनसे अपना पूरा पूरा वर्षा लेने का अधिकार लेना है, वर्षे का अधिकार लेना है। अभी तो हम सब की, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्यों? कभी सृष्टि का अंत आ चुका है, सिर्फ थोड़ी सी घड़ियों में कभी ये बम फाड़ता है और दुनिया का विनाश होता है, सब इकट्ठे मरने हैं। थोड़े ही गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, अभी तो सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी जल्दी जल्दी ये ईश्वरी ज्ञान धारण करके कमाई करनी है, जो सत्युगी दुनिया में आ सके।
जो करेगा सो पाएगा, ऐसे नहीं कि बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएंगी, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। अब ये सब है समझने की बातें, कोई समझते हैं? मछली खाने में पाप नहीं है, मछली खाने में पाप है, जानते हो? आप लोगों ने कभी देखी है मछली? देखी है? कभी खाई है? जिन्होंने खाई जिन्होंने मछली खाई है वो हाथ उठाए। अरे कईयों ने खाई होंगी, अभी देखते हैं एक दो को तो कौन हाथ उठाए, कोई नहीं खाया है, सच सच बोलो। चलो भाई अभी बड़े क्लास में बैठे हो तो जास्ती टाइम आपका नहीं लेगा, वो तो क्लास में पूछते होंगे ना, लिखाते होंगे कौन सी धारणाएं हैं आपकी। अभी तो सब रस्म रवाज उल्टे हो गए हैं,